अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इंडक्शन कुकर के बारे में बताएंगे कि ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इंडक्शन कुकर हमारे पास आया है और लगाते हैं तो घर का फ्यूज ट्रिप हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। ये देखें, हमने लगाया ही है तो हमारा जो सीरियस फॉल शो कर रहा है इसमें। अब ये क्या प्रॉब्लम है ये हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं और उसका फॉल्ट भी निकाल के दिखाते हैं और ये किस तरह रिपेयर किया जाता है वो बताएंगे। ये देखें, ये हमने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है कि कम से कम टाइम लगे और छोटी से छोटी वीडियो बने। ये हमने इसका जो ऊपर वाला पैनल है वो साइड पे किया है, ये इसके ऊपर पेच लगे होते हैं तीन, ये मैंने पहले ही खोल के रखे हुए थे कि ये हमारी वीडियो कम से कम टाइम लगे और आपको हम जल्दी से जल्दी बता सकें जो इसमें जो भी फॉल्ट है। इसमें जो फॉल्ट है कि जब ये शू लगाते हैं तो ऑन करने से पहले ही घर का जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है और ये बिजली बंद हो जाती है। और अगर आपके घर में भी या आपका इंडक्शन कुकर घर में कोई फ्यूज लगा हुआ वो उड़ जाए या वो खराब हो जाए या आपका ब्रेकर खराब हो जाए तो उसमें इंडक्शन कुकर में क्या फॉल्ट हो सकता है, ये हम आपको इसमें बताएंगे और दिखाएंगे कि ये इसका जो इंडक्शन कुकर का जो मदरबोर्ड है ये हमने निकाला बाहर। और इसमें जो अहम मसला होता है यही होता है कि इसका जो आईजीबीटी जो है वो ही शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने की वजह से ये जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है और इसी की वजह से ही ये मसला बनता है। इसे अब हम चेक करेंगे लगा मीटर के साथ। ये हमारे पास एक मीटर है और उसी की मदद से हम इसे चेक करेंगे। ये जो प्रॉड हमारे सही नहीं लग रहा है, ये दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह आप चेक कर सकते हो। अगर आपका ये मीटर किसी पे शो ना करे तो वो, ये देखें हमने चेक कर रहे हैं, पहले हमने जो ये आपको दिखा रहे हैं कि चेक करके ये आईजीबीटी हमारा, ये देखें ये बिल्कुल शॉर्ट नजर आ रहा है। ये देखें हमारा मीटर शो शॉर्ट कर रहा है। इसका मकसद है कि हमारा जो फॉल्ट है आईजीबीटी में है ये इसका। आपको दिखाते हैं कि मीटर, ये देखें, ये देखिए हमारा जो आईजीबीटी है वो इसका शार्ट है। शार्ट होने की वजह से जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। ये आपको नजर आ, ये ट्रांसिस्टर की ही एक किस्म है, उसी तरह का होता है जो, और साथ में एक आपको ये कैपेसिटर वगैरह भी लगे होते हैं, ये भी शार्ट हो जाते हैं। और ब्रिज लगा होता है वो भी शार्ट होता है, डायोड ब्रिज होता है वो तो हमारा बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि हमने उसे भी चेक किया वो हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और ये जो हमारा जो फॉल्ट है इसी में है जो आपको दिखा रहे हैं कि आईजीबीटी हमारा जो शार्ट है। और हमारे पास इसी तरह का एक और बोर्ड पड़ा है मदरबोर्ड, वो आपको वो भी हम चेक करके दिखाते हैं और बताते हैं कि इसी में ये मसला है। और ये हम इस पे आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह चेक किया जाता है। ये देखें, हमने पहले जो चेक किया था वो हमारा, हमारी जो इसका मीटर शो कर रहा था, और आप इस पे चेक करते हैं कि ये हमारा मीटर शो कर रहा है कि नीचे शो कर रहा है। ये अब आप देख रहे होंगे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये हम आपको चेक करके अभी बताएंगे। ये देखें, ये हमने उस पे प्रहार लगाया और हमें कहीं पे ये शो मीटर नहीं कर रहा, लिहाजा ये हमारा आईजीबीटी बिल्कुल ठीक है। आप हम इस बोर्ड को लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा इंडक्शन कुकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमने अब ये देखें, हम ये लगा के मदरबोर्ड चेक करते हैं और ये हम आपको दिखाएंगे कि ये हम आपको इस तरह दिखा रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो भी थोड़ा टाइम लगे और आपको काम भी समझ आ जाए और आपको फॉल्ट भी समझ आ जाए।
ये हमने मदरबोर्ड रखा और उसके ऊपर कॉयल रखा, कॉयल के ऊपर एक हीट सेंसर लगा होता है, ये भी मसला कर जाता है। बहरहाल ये हमारा, ये हर चीज ठीक है, हमारा कॉयल भी ठीक है, हमारा सिर्फ आईजीबीटी शार्ट होने की वजह से ही जो हमारा ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता था और हमारा बिजली बंद हो जाती थी। ये हमने वो इसका मदरबोर्ड चेंज किया, हमारे पास पड़ा था और वीडियो को बनाने के लिए जल्दी से जल्दी हमने ये दिखा रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि ये आप किस तरह इसका पार्ट निकाल सकते हो। आप इसका आईजीबीटी भी चेंज कर सकते हो, इसका आईजीबीटी निकालें और इसमें नया लगा लें तो आपका फॉल्ट निकल जाएगा। हमारे हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी आप तक पहुंचेगी और आप नए से नया काम सीख सकोगे। हम कोशिश करते हैं कि आसानी से और आपको काम सिखाया जाए और बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाए। ये अब जैक का जो लगे हुए हैं, ये जैक जो हमने उतारे थे वो लगा रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये अब हम आपको बताएंगे कि ये जैक जो हमने लगा रहे हैं ये आप देख सकते हो। हमारी वीडियो को देखा करें और समझा करें और हमें कमेंट में बताया करें कि कोई हमारी वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं आई। ये नहीं आई तो जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हो, क्योंकि हमने जो भी काम आपको सिखाया है और कस्टमर को करके दिया है और आपके सामने ही हर चीज नजर आ रही है, कोई इसमें फेक चीज नहीं है। अगर कोई आपको अच्छी वीडियो लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगर उनका इंडक्शन कुकर वगैरह खराब हो गया है तो वो कारीगर को बताएं कि इसका ये चीज चेंज करें तो इंशाल्लाह ताला वो सही हो जाएगी और उसे भी आसानी हो जाएगी, उसे भी पता चलेगा कि ये आदमी इस चीज को समझता है और ये, या उसे वो चीज ला के दे दें और वो चेंज करवा लें तो आपकी वो चीज सही हो जा सकती है। ये देखें हमने इसका कॉयल लगाया है और उस पे ऊपर जो पैनल है वो ग्लास का जो है वो ऊपर रख दिया है। ये अब कवर जो अब हम उसको आपको चेक करके बताएंगे कि ये अब काम करना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। उसका शू, पहले तो हम इसका शू लगाते ही हमारा जो सीरियस है फुल शो कर रहा था, अब हम इसमें शू लगाते हैं कि सीरियस ऑन होता है कि नहीं होता। ये हमने शू लगा दिया, हमारा सीरियस शो नहीं हुआ और यहाँ पे हमें लाइट ऑन हो गई, लिहाजा हमारा जो इंडक्शन कुकर है बिल्कुल ठीक है। ईओ का जो एरर दे रहा है ये इसीलिए दे रहा है कि ऊपर उसके कुछ चीज रखेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा, हमने इसके ऊपर कुछ नहीं रखा था। ये देखें ये हमारा 2000 पे शो होने लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडक्शन कुकर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पे जो कुछ भी रखेंगे मेटल वाली चीज वो इस पे काम करेगी, इस पे सिल्वर की चीज नहीं काम करती, इस पे स्टील का बर्तन ही काम करता है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और ये और किस चीज के ऊपर ये रख के आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके ऊपर। इस पे लोहे की चीजें इस्तेमाल, लोहे की और स्टील की बर्तन इस्तेमाल होता है और इस पे सिल्वर स्टील या सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं होता, ये इस पे एरर देता है। ये इसकी पावर है, इसे आप कम भी कर सकते हो, इसे तेज भी कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा पानी रखा है और ये इसको आपको मैं गर्म करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो इंडक्शन कुकर है बिल्कुल अब तैयार है। इसका जो फॉल्ट था वो तो हमने निकाल दिया, इसका ये फॉल्ट था आईजीबीटी इसका खराब था और हमने आईजीबीटी के बदले इसके मदरबोर्ड पड़ा था वो हमने चेंज कर दिया। अगर हम इसका आईजीबीटी चेंज करते वो भी आपको दिखा सकते, लेकिन हमारे पास अभी आईजीबीटी नहीं था इसलिए हमने इसका मदरबोर्ड चेंज करके आप दिखाया है कि ये हमारा इंडक्शन कुकर तैयार है। और किसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि इसमें इसका आईजीबीटी किस तरह चेंज किया जाता है। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें और हमें दुआओं में लाजमी याद रखिए और हमारे चैनल को
अगर एक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा सब्सक्राइब लाजमी करें, ये देख के हमारा इंडक्शन कुकर भी तैयार होगा, हमारी वीडियो भी पूरी होगी। अल्लाह हाफिज़।